हेलो सो टाटा ऑनलाइन में चलो तो पढ़ी होगा। आज बात करने वाला हूँ पबजी वाले के मेट्रो वेल के लोडआउट के बारे में कि कैसे तुम्हारा इतना बेस्ट लोडर हो कि तुम यार क्लोज और लॉन्ग रेंज में बहुत इजीली बंदों को मार सको। अगर तुम्हारा लोडआउट खतरनाक है ना तो सामने वाले बंदे तुम्हारे टिक नहीं पाएंगे और तुम बहुत इजीली यार गेम निकाल सकते हो। मतलब मैक्सिमम गेम निकालना इसमें जरूरी है, अगर तुम नहीं निकालते हो माइनस लग जाती है तो तुम्हारे को वापस प्लस करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि तुम इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लो। तो जैसा कि मैंने इससे पहले दो वीडियोज बनाई थी उसमें मैंने बताया था कैसे तुम यार हॉनर टाइटल अपना ले सकते हो भाई, हॉनर फाइटर वाला टाइटल, और एक बनाई थी मैंने कि हॉनर पॉइंट्स कैसे ले सकते हो तुम। तो दोनों वीडियो तुम्हारे को वीडियो के एंड में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी फ्लैश हो रही होगी तुम्हारे को, तो वहाँ जाके तुम देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। तो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए कि यार अगर तुम्हारा लोडआउट बेटर है ना तो सामने वाला तुम्हारे को यार मारने से पहले भाई चार बार सोचेगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि भाई अपना हेलमेट वेस्ट कौन से होने चाहिए, तुम्हारे गन कौन सी होनी चाहिए, तुम्हारे पास एमोस कौन सी होनी चाहिए, कितनी हीलिंग लेके जानी चाहिए, और लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा तुम्हारे को मैं जिसमें मैं तुम्हारे को बताऊंगा तुम्हारी गोलियों के कम से कम रुपए लगेंगे और तुम यार बहुत इजीली यार मतलब कम से कम रुपयों के अंदर अच्छा से अच्छा लोडआउट लेके जा सकते हो। तो वीडियो का शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हमारे आर्मर्स के बारे में, आर्मर हेलमेट के बारे में। तो हेलमेट तुम यार नॉर्मल यूज़ कर सकते हो और नॉर्मली यार बेस्ट यूज कर सकते हो लेवल 6 की, ठीक है। और इसके बाद में इसमें तीन कैटेगरी होती है, नॉर्मल वाली, स्टील पॉइंट वाली और एक वन आई कोबरा वाली। तो वन आई कोबरा भाई एक नंबर की टट्टी है भाई, रगड़ इससे अच्छा तुम यार लेवल 5 की बेस्ट ले जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा वो वर्क। और बाकी यार इसके अंदर हमारे स्टील पॉइंट वाली हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो स्टील फोन वाली यार तुम्हारे को यहाँ पर मिलेगी, मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। तो यहाँ पर यार तुम्हारे को स्टील फोन मिल जाएगी देखने को, तो यहाँ पर तुम यार स्टील फोन यहाँ से इजीली खरीद सकते हो। और ख़रीदने के बाद में यार तुम यहाँ से मतलब दो या चार क्रेट में तुम्हारी निकल जाएगी, बाकी यार लक पे डिपेंड है सबके। तो यहाँ से तुम लेके और इसके अंदर तुम्हारे को अटैचमेंट लगाने हैं वो भी मैं तुम्हारे को बताता हूँ। तो तुम्हारे को यहाँ पर अटैचमेंट लगाने हैं ये वाले, तो यहाँ पर एक फैब्रिक वाला अटैचमेंट मिलेगा तुम्हारे को। तो तीनों स्लॉट के अंदर तुम चाहो तो रिफाइंड वाला लगा सकते हो, तो इससे यार तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी वेस्ट की। और बाकी यार मतलब तुम मतलब सॉलिड हो जाएगा तुम्हारा काम, 1 HP भी बहुत बार बच सकते हो तुम। तो जितना अच्छा यार वेस्ट होगा हेलमेट होगा उतना बेटर होगा। हाँ, वन आई कोबरा वाला भी यूज़ कर सकते हो, पर यार वन आई कोबरा वाला बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है और बहुत जल्दी भाई फट जाता है वो, तो मतलब पूरा डैमेज हो बहुत जल्दी हो जाता है, तुम बहुत जल्दी नॉक हो जाओगे उसमें। तो क्या तो भाई तुम नॉर्मल वाला यूज़ करो, मैं प्रीफर करूँगा, क्या तो भाई तुम स्टील फोन वाला प्रीफर करो। बाकी यार बेकार है सब, कोई मतलब नहीं है। तो हेलमेट वेस्ट के बारे में मैंने बता दिया तुम्हारे को। अब बात करते हैं भाई गन्स की। तो गन में यार तुम यूज़ कर सकते हो हमारी यार MK और बैरल और ग्रोजा, ठीक है। ये तीन कैटेगरी तुम्हारे को मिलेगी जिसका हाई डैमेज है। AKM भी यूज़ कर सकते हो, पर AKM का क्या फायरिंग रेट स्लो है तो तुम बढ़ सकते हो, तो AKM को यार हटा देते हैं साइड में, ठीक है। तुम्हारे पास फिर ऑप्शन रहता है भाई ग्रोजा, MK और बैरल का। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोज रेंज के लिए। तो क्लोज रेंज के लिए अगर तुम यार अपने स्क्वाड्स के साथ खेलते हो ना, जैसे डुओ स्क्वाड खेल रहे हो या सोलो भी स्क्वाड खेल रहे हो, तो मतलब स्क्वाड भी स्क्वाड खेल रहे हो, तो तुम्हारे को क्या करना होगा भाई, MK ले सकते हो तुम क्लोज के लिए। अगर तुम्हारा टीममेट तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे को कवर इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम वहाँ पर MK यूज़ ले सकते हो। और बाकी यार अगर तुम्हारे को क्लोज में अगर तुम 1v4 खेल रहे हो तो तुम्हारे को यार M249 बेटर है भाई, कि उसमें यार रिलोड का सिस्टम नहीं है। अगर तुम रिलोड आ जाएगी तुम्हारी MK तो तुम बहुत ईजिली मर जाओगे, तो वो तुम्हारे को करना है सीन, ठीक है। तो वहाँ तुम्हारे को यार थोड़ा सा मात खा जाओगे तुम, तो इसलिए तुम M249 ले सकते हो भाई अगर तुम सोलो बेस स्क्वाड खेल रहे हो तो। और क्लोज के लिए तो बता दिया मैंने तुम्हारे को, अब लॉन्ग के लिए बात करते हैं। तो लॉन्ग के लिए तुम यार यूज ले सकते हो हमारी बैरल और ग्रोजा, और एक तुम्हारे पास में अगर 5 का सब्सटीट्यूट है, जैसे तुम अगर M249 चला रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि तुम M4 ही लो, कि M4 यार लॉन्ग रेंज में और मीडियम रेंज में बहुत अच्छी चलती है। और बाकी यार अगर तुम MK उठा रहे हो और तुम्हारी स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो मैं प्रेफर करूँगा तुम्हारे को यार कि भाई तुम ग्रोजा के अलावा भाई बैरल यूज़ करो, कि ग्रोजा यूज़ ना करो। अब ग्रोजा का भी मैं तुम्हारे को बताता हूँ सीन क्या है, कि ग्रोजा में लगता नहीं है भाई लॉन्चर। अगर लॉन्चर भाई बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, कि लॉन्चर यार जैसे भाई तुमने किसी बंदे को भाई 2 हिट दिए, ठीक है, 2 हिट दिए और वो बंदा कवर में चला गया, तो वो कवर में जाने के बाद सबसे पहले बूस्ट वूस यही मारेगा, तो तुम उस टाइम पे यार ग्रेनेड लॉन्चर फेंक के उसको नॉक कर सकते हो। तो नॉक करने पे यार तुम्हारे को वहाँ पर एक्स्ट्रा किल मिल जाएगी। हो सकता है भाई अगर तुम्हारे पास ग्रेनेड लॉन्चर ना हो तो तुम यार रश करो, रश करते वक्त तुम्हारे को वो मार दे, तो वहाँ पर यार ग्रेनेड लॉन्चर बहुत काम आता है। इसलिए मैं यार प्रेफर करता हूँ कि तुम बैरल यूज़ करो, तो बैरल बेटर है कि उसमें लॉन्चर लग जाता है और M4 के अंदर लॉन्चर लगता ही है तुम्हारे को पता ही है, ठीक है। और इसलिए मैं ग्रोजा प्रेफर नहीं करता। बाकी ग्रोजा का स्प्रे बहुत अच्छा है यार लॉन्ग रेंज के लिए। हाँ, लॉन्ग रेंज में बैरल थोड़ा सा मात खा जाती है, पर अगर तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा एम सही हो जाएगा, नहीं तो तुम टैप टैप तो मार ही सकते हो।
नहीं तो यार तुम इस पर लॉन्ग स्प्रे भी यार मतलब लॉन्ग इतना लॉन्ग तो नहीं पर तुम मिड रेंज स्प्रे तो यार उससे एमके से भी कर सकते हो बंदे को गिराने के लिए। तो ये मैंने तुम्हारे को बात बता दी है कि अगर तुम सोलो स्क्वाड खेल रहे हो तो तुम्हारे को M249 और M4 यूज़ करनी है, और अगर तुम स्क्वाड खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ में तो तुम वहाँ पर यार एमके और बैरल यूज़ कर सकते हो विथ ग्रेनेड लॉन्चर। और इसके बाद में तुम्हारे को बात करते हैं हम गोलियों की। तो गोलियां तुम्हारे को यार यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी की मिलती है। ज़्यादातर मूव बंदे भाई टॉक्सिक एमो लेकर आ जाते हैं, एमुलेटिंग एमो लेकर आ जाते हैं कि उनको लगता है भाई आग लग रही है, बंदा भाई जहर से मर रहा है, पर ऐसा नहीं होता भाई, वो सबसे बेकार एमोज है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे हम 7 की एमोज में चलते हैं, बाकी 5 की 7 की सब सेम ही है। तो तुम्हारे को यहाँ पर 6 कैटेगरी देखने को मिलती है। पहले की जो दो कैटेगरी है ना, दोनों कैटेगरी भाई 30 है, और लास्ट की जो दो कैटेगरी है भाई ये दोनों 30 है। इसके अलावा भाई तुम ये दो टाइप के एमओ यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ तुम्हारे को भाई हाई एक्सप्लोजिव, और यहाँ पर तुम पॉलिश डेमो यूज़ कर सकते हो। तो पॉलिश डेमो थोड़ी ज़्यादा ले जाना, कि मैं सिर्फ इन दो एमओ के अलावा और कोई एमओ नहीं लेके जाता हूँ, कि बॉट मारने के लिए हो सकता है यार तुम ये वाली एमओ लेके जाते हो नॉर्मल या करोडेड, पर बेकार है ये भाई। कि इस चीज़ का भी मैं तुम्हारे को एक रीज़न बताता हूँ, जैसे अगर तुम एमके चला रहे हो और तुम्हारी एमके रिलोड पे आ जाती है और तुम्हारे पास बैरल है और बैरल के अंदर तुमने पॉलिश डेमो रिलोड कर रखी है कि मैं बॉट भी सारे पॉलिश एमओ से ही मारता हूँ, तो रिलोड पे आ जाती है तो तुम एमके स्विच करके बैरल पे आओगे तो तुम बंदे को ज़्यादा डैमेज दे पाओगे यहाँ पॉलिश गोली से, बकायदा भाई नॉर्मल गोली या फिर करोडेड एमओ से। कि अगर बंदा यार मतलब ज़्यादा लेट नहीं है ना तो वो नहीं मरेगा इन दोनों एमओ से, और पॉलिश एमओ से तो मर ही जाएगा वो, कि तुम्हारे गन के अंदर दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज वाली गोलियाँ हैं। और बाकी यार ये दोनों टट्टी है भाई, इसको कभी यूज़ मत करना। हाँ एमुलेटिंग थोड़ा सा भाई आग वाग लगा देती है, बंदा नॉक हो जाता अगर 1 HP है तो, ठीक है। और बाकी यार टॉक्सिक एमओ सिर्फ कुछ नहीं, अपना विजन जो होता है वो करती है भाई बेकार, बाकी बेकार है भाई, कोई काम की नहीं है एमओ सिर्फ भाई ये दोनों एमओ के अलावा। भाई सबसे बेस्ट एमओ है भाई हाई एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव 70% डैमेज देती है, तुम 4-5 गोली अगर अच्छे से मार दी ना बंदे को, बंदा वहीं पर ढेर हो जाएगा 6 का, तो बेटर गोली यही है। और बाकी तुम बॉट मारने के लिए लेके जा सकते हो ये, तो ये भी मैं ज़्यादा नहीं लेके जाता हूँ, ये एमओ लेके जाता हूँ मैं हाई एक्सप्लोजिव लेके जाता हूँ 150 MK चलाता हूँ तो, और ये हमारी 200 MO लेके जाता हूँ मैं ये पॉलिश, जिससे मैं बॉट मारूँ या फिर किसी बंदा का रिलोड पे आ जाती है तो कभी काम आती है बाई चांस, तो बचा लेती है एमओ, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादातर बॉट मारने के लिए लेके जाता हूँ ये एमओ, बाकी यार मैं ये दो गोली ही प्रेफर करता हूँ, उसके अलावा कोई गोली प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ तुम बॉट वॉट मारने के लिए एमुलेटिंग एमओ या फिर टॉक्सिक एमओ लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली तुम्हारे को, पर बेटर यही रहेगा यार कि ज़्यादा महंगी आती है गोली और पॉलिश थोड़ी सस्ती आती है, तो ये लेके जाओ यार बॉट मारने के लिए बेटर है, और ये तुम्हारे एनिमी मारने के काम आ जाएगी कभी तुम्हारे पास गोलियाँ ख़त्म हो जाती है तो, क्योंकि एमके में लगा के अगर तुम ये गोलियाँ मारते हो पॉलिश तो बंदा नॉक हो जाता है बहुत ईजिली, और बाकी उसे यार थोड़ा टाइम लगता है। और बाकी यार यहाँ पर तुम एक काम और कर सकते हो भाई, कि तुम ज़्यादा गोली ना लेके जाओ, कम गोली लेके जाओ, और तुम्हारे को मैं बता देता हूँ भाई कि मैं कितनी हीलिंग लेके जाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं भाई तुम कैसे तुम्हारे को गोलियाँ बात इजीली मिल जाएगी और तुम्हारे को ज़्यादा गोलियाँ खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर यार बात करते हैं हम, यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ भाई 4 हेल्थ किट और मेड किट तो बस ऐसे ही रख रखा है मैंने, और एक बूस्ट लेके जाता हूँ, 15 एनर्जी ड्रिंक लेके जाता हूँ। कि अब इसमें भी देखो दिक्कत क्या है, देखो अगर मैं एक पेन किलर अगर खरीदता हूँ तो मेरे को 3,500 रुपये का पड़ता है समथिंग पे, मतलब यहाँ पर होगा हमारे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर यार एक पेन किलर हमारे देखो कितना महंगा है, यहाँ पर 3,600 का है, और एक मेरे ड्रिंक यहाँ पर पड़ेगी भाई 600 की, तो कुल मिला के मैं इतने ही रुपए में भाई मान के चलो 6-7 ड्रिंक लेके जा सकता हूँ। तो मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ भाई कि अगर तुम एनर्जी ड्रिंक लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर है, बाकी अगर तुम आप पेन किलर तो पेन किलर लेके जा सकते हो तुम, और बाकी एनर्जी ड्रिंक पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ मैं। और एक नेड और एक मॉली जरूर रखो तुम, और ग्रेनेड लॉन्चर की थोड़ी सी गोली 10-12-25 जीती रख सकते हो तुम अपने हिसाब से, तो ये करके तुम कर सकते हो। और नेड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भाई ग्रेनेड लॉन्चर नहीं जाता ना वहाँ पर तुम नेड मार के बहुत ईजिली बंदा नॉक कर सकते हो, जैसे ट्रिपल स्टोरी में बंदा बैठा है वहाँ तुम्हारे पास एंगल नहीं है ग्रेनेड लॉन्चर मारने का, तो तुम यहाँ वहाँ पर नेड मार सकते हो, मॉली मार सकते हो, बंदे को डाउन कर सकते हो, रश कर सकते हो, क्योंकि बंदा पैनिक हो जाता है अगर उसके थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है तो बंदा हील करने के लिए भागता है, तो वो कर सकते हो तुम। और बाकी यहाँ पर तुम्हारे को देखने को मिलेगा भाई कि भाई तुम जैसे ही बंदा मारते हो ना तो मारने के बाद में तुम यार उसका कचरा मत उठाया करो, हाँ भाई कोई लेजेंडरी चीज़ पड़ी है एपिक चीज़ या फिर मिथिक चीज़ पड़ी तो वो उठा लो, बाकी यार वो कचरा मत उठाया करो तुम कीज़ वीज़ ये सब, उससे अच्छा भाई तुम उसके बैग से भाई अच्छी एमो उठा लो करोडेड तो छोड़ो
पॉलिश डेमो, हाई एक्सप्लोजिव डेमो या फिर हीलिंग, तो उससे यार तुम्हारे को मतलब अगले गेम के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पास में खरीदना नहीं पड़ेगा तुम्हारे को, तो उससे तुम्हारे सब पैसे बच जाएंगे। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास में लॉर्ड आउट के अंदर कितनी एमओ पड़ी है, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। तो लॉन्चर तो मैंने खुद ने खरीदे थे, ये जितनी भी गोली मैं लेके आया हूँ ना यहाँ पर, ये पॉलिश डेमो, ये सब बंदों की क्रेट से उठाई हुई है मैंने, और बस मेरे को हाई एक्सप्लोजिव एमओ खरीदनी पड़ती है ज़्यादा, और बाकी है ना हमारे मेरा पॉलिश एमओ से काम हो जाता है। मैं फाइटर से ये कलेक्ट करता आ रहा हूँ और अभी तक मैंने एक बार भी पॉलिश डेमो नहीं खरीदी है, सब मैं बंदों की क्रेट से लेके आया हूँ और मेरा काम हो जाता है हर बार। तो यहाँ पर 10,000 समथिंग एमओ पड़ी है, और नीचे तुम देख सकते हो हेल्थ किट मेरे पास कितने सारे पड़े हैं, और बाकी यहाँ पर तुम यहाँ देख सकते हो मेरे पास में एनर्जी ड्रिंक, ये सब ये तो आज के एनर्जी ड्रिंक है, बाकी मैं एनर्जी ड्रिंक ऐसे कलेक्ट नहीं करता हूँ, लेके चला जाता हूँ सारे उड़ा देता हूँ। पर बाकी तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं हीलिंग कितनी सारी है मेरे पास और गोलियाँ कितनी सारी है, तो तुम खुद सोच सकते हो कि मेरे को हीलिंग और गोलियों के तो मेरे पैसे नहीं लग रहे, और वो ही पैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने उसमें गोलियाँ खरीदने में, और डॉक्टर भी मिलता है मेरे को। तो मैं यहाँ पर कोई एडवांस मोड नहीं खेलता, फिर भी देख सकते हो तुम मेरे पास 50 मिलियन की लूट है, और उसमें मैंने 7 मिलियन लूट तो भाई स्टील फॉन्ट वाला वेस्ट निकालने पर लगा दिया था। तो इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हारे को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कौन सा लोड आउट होना चाहिए, क्लोज रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, मीडियम रेंज के लिए, सब कुछ। और बाकी यार तुम ज़्यादा से ज़्यादा भाई लूट ना लेके जाओ, ज़्यादा गोले लेके जाओगे तुम मर जाओगे, तो फिर सब चली जा सकती है, तो बेटर यार यही लेके जाओ जो मैंने तुम्हारे को इसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया। कुछ नहीं समझ में आया हो तो तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो चली गई तो लाइक मारो, जो मैं चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करो, घंटी तो मैं बताऊँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।